हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RSGO24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। डियर ऑल लीडर्स, मैं अभी एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाए कि किस तरीके से ये जो नया टास्क आया है तो इसमें कैसे हमें हेल्प मिले कि टास्क कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ कि जैसा मैंने बताया कि अभी वेबसाइट की बजाय अभी हम लोग एप्लीकेशंस पे फोकस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी यहाँ पे तीन एप्लीकेशन आप देख रहे होंगे, जिसमें पहला एप्लीकेशन है एक्स अर्निंग का, उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है इंडी लव लाइट का, और तीसरा एप्लीकेशन है LT यानी कि इंडी लव्स ट्रेंड, इसको नोटिका भी बोलते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, ये तीन एप्लीकेशन पे ही अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है। यानी कि जो आपको फ्री में 12 टास्क आते हैं या एक्टिव में जो 12 टास्क आते हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ तीन टास्क ही अभी आपको नए तरीके से आएंगे, बाकी के सब सेम पुराने जैसे टास्क होते हैं वैसे ही चलेंगे। मैं एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूँ और आपको ये टास्क करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना RSGO का लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही हम गो टू टास्क करते हैं तो आप वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको फ्री टास्क दिख रहा है, फ्री टास्क पे हमने क्लिक किया। फ्री टास्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपके फ्री टास्क 12 ओपन हो गए हैं, आपको करना है ट्राई न्यू वर्ज़न पे क्लिक। ट्राई न्यू वर्ज़न पे क्लिक करने के बाद आपका ये सेम वैसे ही पैटर्न खुलता है जैसे पहले खुलता था। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है तो आप या तो प्ले स्टोर से डायरेक्ट जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन, तो पहले आप इसको डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन है उसको हम डाउनलोड कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम यहीं पर वापस आ करके यहाँ से विजिट नाउ करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया ताकि मैं आपको जल्दी से बता पाऊँ, तो मैंने सीधा विजिट नाउ पर क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन का ही एक पेज ओपन होगा, और इस एप्लीकेशन पे ये अभी जैसे थोड़ी सी लोडिंग चलेगी 1-2 सेकेंड, और इसके बाद यहाँ पे बोलेगा टास्क शुरू करने के लिए आगे बढ़े। ओके पे क्लिक किया, आगे फिर छोटी सी एक लोडिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, और इस पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे गोल एक गोलाकार के अंदर यहाँ पे टाइमर चल रहा है हमारा। जैसे कि पहले वेबसाइट पे टाइमर थोड़ा ऊपर चलता था तो यहाँ पे टाइमर यहाँ पे हमने नीचे दिया है, तो ये ब्लिंक भी हो रहा है ताकि ध्यान जाए इस पर कि टाइमर चल रहा है। इस टाइमर के चलने के बाद यहाँ पे ये लिख के आएगा अपना टास्क पूरा करने के लिए आगे बटन पे क्लिक करें, तो क्लिक हियर पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर हल्की सी एक लोडिंग चलेगी और फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, ओके करेंगे, फिर हल्की सी लोडिंग होगी, और लोडिंग होने के बाद यहाँ पे हमारा फिर से एक पेज ओपन होगा और जिस पे हमारा दोबारा से एक टाइमर चलेगा। तो जैसा कि ये पेज ओपन हो गया और ये यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो अब इस टाइमर का हमें सिर्फ वेट करना है। आप अगर कोई न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे स्क्रॉल करके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब ऐसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हुआ तो हमने ये क्लोज़ किया, क्लोज़ करने के बाद वापस यहाँ पे होम पेज पे आया, हल्का सा लोडिंग हुआ और हमारे 20 सेकेंड बिता चुके हैं हम लोग, तो हमारा टास्क पूरा हो चुका है। और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर हल्की सी लोडिंग है, और लोडिंग के बाद में यहाँ पे आ गया कि हम आपको RSGO पे वापस ले जाएं। तो ओके हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने ओके किया तो हम RSGO के साइट पे आ गए वापस से, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कंटिन्यू टू कंप्लीट योर टास्क। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है, और एक टास्क कंप्लीट होने के बाद अब मैं दोबारा से गया और फ्री टास्क पे मैं क्लिक करूँगा, और दोबारा से यहाँ पे देखें एक टास्क मेरा कंप्लीट हो गया और मैं वापस से ट्राई न्यू वर्ज़न पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने ट्राई न्यू वर्ज़न पे क्लिक किया यहाँ पे फिर एक आया, यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज विजिट नाउ करेंगे। अब यहाँ पे जब विजिट नाउ करेंगे, ये हमारा एक एप्लीकेशन है इंडी लव लाइट्स का, जो कि आपको पता होगा क्रोम के ऊपर भी चलता है, यानी कि जो हमारा सोशल नेटवर्क है वो क्रोम पे भी चलता है और एप्लीकेशन पे भी चलता है, तो हमें इसका एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना है, और जब भी ये हम विजिट नाउ करेंगे तो हम एप्लीकेशन पे ही क्लिक करेंगे। तो मैंने एप्लीकेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर वही हम आगे बढ़ें, ओके, थोड़ा सा लोडिंग चलता है, टाइमर आता है, टाइमर पे हमें इंतज़ार करना है, कोई न्यूज़ है तो हम उसको पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, इस तरीके से आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज़ टाइमर का वेट करें। और जैसे टाइमर ख़त्म होता है तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे,
और क्लिक हेयर करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से एक पेज ओपन होगा और उस पर टाइमर फिर से चलेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पहली बार जब हम करेंगे तो थोड़ा सा हमें लगेगा ऐसा कि कुछ नयापन है, और जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न और थोड़ी सी परेशानी सी आती ज़रूर है, लेकिन जब हम एक दिन दो दिन तीन दिन इस काम को करेंगे तो हमें उसकी हैबिट पड़ जाएगी, हमें पता रहेगा कि हमें कब कहाँ पे कैसे क्लिक करना है, और हम लोग अपनी अपनी टीम को भी हैंडल कर पाएंगे और उनको भी हम समझा पाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे क्लोज हेयर पे हमने क्लिक किया, और क्लिक किया तो 20 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, हम वापस जाएंगे, और वापस जाएंगे तो ये हमें RSGO पे वापस ले जाएगा, और जैसे RSGO पे वापस आया तो कंटिन्यू कंप्लीट योर टास्क पे क्लिक किया और ये मेरा दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया। अब मैं तीसरे टास्क को करके दिखाऊंगा, मैं वापस से फ्री टास्क पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने फिर न्यू वर्ज़न पे क्लिक किया, और न्यू वर्ज़न पे क्लिक करने के बाद ये न्यू एप्लीकेशन है एक और, जो हमारा न्यूज़ एप्लीकेशन है, अगर ये भी आपके पास डाउनलोड नहीं है तो इसे भी पहले हमें डाउनलोड करना होगा, और पहली बार एक बार डाउनलोड करके रख लिया तो ये बार बार हमें डाउनलोड नहीं करना है। तो विजिट नाउ पे हम क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पे हल्की सी लोडिंग होगी, कई बार थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चलता है तो थोड़ा सा वेट करना है, हम ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से एक पेज ओपन होता है और यहाँ पे एक टाइमर आएगा, तो टाइमर का हमें यहाँ पे वेट करना है, और जैसे ही हमारा टाइमर ये ख़त्म होगा तो सेम उसी तरीके से है, अगर आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़ पढ़ सकते हैं तब तक जब टाइमर चल रहा हो। तो क्लिक हेयर किया हमने, यहाँ पे हल्की सी लोडिंग, फिर उसके बाद आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर से एक छोटी सी लोडिंग, और उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन हुआ और यहाँ पे टाइमर फिर से चला, और हमें यहाँ पे फिर वेट करना है, या फिर इस जो भी न्यूज़ है इस न्यूज़ को हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ेंगे तो अपनी इन्फॉर्मेशंस भी बढ़ेंगी, और टाइम जैसे ही क्लोज़ होता है तो हम यहाँ पे वापस से क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने के बाद ये हमें वापस लेके जाएगा RSGO की साइट्स पे, और यहाँ पे मेरा इस तरीके से तीसरा जो टास्क है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है, और ये मैं वापस आ गया हूँ RSGO की साइट पे, हमने किया कंटिन्यू कंप्लीट, और उसके बाद मैं फिर वापस गया, तो मेरे तीन टास्क हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये तीन टास्क कंप्लीट हो गए, 9 बाकी हैं, उसके बाद जो आगे के जो टास्क हैं वो बिल्कुल सेम जैसे ओल्ड वर्जन के हैं, सेम अभी वैसे ही हैं, जैसे कि यहाँ पे 1xInvest की साइट आ रही है तो यहाँ पे हमारी वही साइट चलेगी जैसे ओल्ड वर्जन के चलते हैं। तो अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पहले तीन टास्क पे ही हमने किया है, वो इसलिए किया कि एकदम से सारे नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको और आपकी डाउनलाइन जितनी भी है उन सभी को अच्छे से समझ में आ जाए कि हमें टास्क कैसे करने हैं। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा नया काम है तो नया तरीका है, तो नए तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, और मेन चीज़ है कि हमें एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ लोगों के कल ये एक बातें आएँ कि सर मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है, मैं इतने एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करूँ, तो मैं सर आपको बता दूँ कि हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं बहुत ही लाइट वेट हैं, और अगर सारे एप्लीकेशंस को मिला करके मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से शायद 500 MB भी नहीं होंगे, और एक नॉर्मल से नॉर्मल मोबाइल यानी कि जो भी मोबाइल 8-10 हज़ार रुपये की रेंज में भी आता है एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, तो उस मोबाइल के अंदर भी मिनिमम 32 GB का स्टोरेज होता है। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल में स्पेस नहीं होती, तो मोबाइल को थोड़ा खाली करें, अगर आपके पास जब बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह भरी हुई हैं या बाकी की जो बेफालतू की चीज़ें हैं सर उनको मोबाइल में से बाहर निकालें और मोबाइल को थोड़ा सा हल्का रखें, तो ज़्यादा इजी बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस अगर आप अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।